कोरोना काल में प्रभावित हुए गरीब एवं मजदूर वर्ग के परिवार के लिए देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने विशाल हृदय दिखाया है। विधायक विशाल पटेल बसंत पंचमी तक विधानसभा की 463 कन्याओं को विवाह सामग्री बांट चुके हैं। विधायक विशाल पटेल शनिवार को बैटमा नगर में आयोजित हुए निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे थे, जहां उन्होंने नव युगलों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक बेटी के लिए अजय विधायक स्व जगदीश पटेल की स्मृति में दिए जाने वाले कन्यादान योजना के तहत निजी रूप से अब तक 463 बालिकाओं व उनके परिजनों को 51 बर्तन, 1 क्विंटल आटा, 5 साड़ी, मेकअप किट, तेल डब्बा सहित 500 लोगों की भोजन सामग्री वितरण की गई है। विधायक विशाल पटेल पूर्व में विवाह सम्मेलन आयोजित कर प्रतिवर्ष 100 से अधिक बालिकाओं का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित करते थे, परंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना के चलते इस वर्ष 1 जनवरी से देपालपुर विधानसभा की बेटी के विवाह करने वाली बालिकाओं को विवाह सामग्री वितरण किया जा रहा है। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। एक प्रण लिया था कि देपालपुर विधानसभा की समस्त बच्चियां जिनको ज़रूरत है, एक गिफ्ट पैक हम लोगों ने बनवाया है जिसमें 500 जन की सामग्री है भोजन की और 51 बर्तन के साथ में उनका मेकअप का किट और 5 जोड़ कपड़े, एक हम लोगों ने पूरा टीम बैठी थी और तय किया था। जैसे ही हम लोग पर डिमांड आती है, हम लोग तुरंत हमारा पूरा टीम जो है मंडल सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो तुरंत उनके पास जाते हैं और उनकी व्यवस्थाएँ पूरी हम लोग कराते हैं। उसमें फॉर्मेलिटी के नाम पर हम लोगों ने सिर्फ एक आधार कार्ड जो कि मूल निवासी के लिए हम मांगते हैं, दूसरा बच्ची बालिग होना चाहिए, एक प्रमाण ये मांगते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष और हमारे सेक्टर के अध्यक्ष वो सब वहाँ जाकर सामूहिक रूप से उनको वो सामग्री वितरण कर भी देते हैं। यह अभी तक हम लोग करीब करीब 463 पिछले 15 तारीख से जो हम लोगों ने चालू करी थी, क्योंकि मोहल मास के बाद 15 तारीख से शादियां चालू हुई, 20 दिन के अंदर करीब 463 बच्चियों को हम ये गिफ्ट पैक दे चुके हैं और निरंतर यह कार्य चलता रहेगा। जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी ये कार्य हम लोग चलाते रहेंगे। हर एक व्यक्ति, मेरा तो दायित्व है कि हर एक बच्ची को जिसको ज़रूरत हो वो इस भाई से संपर्क कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को दायित्व निभाने का कार्य मेरा है। ईश्वर ने कहीं उस लायक समझा है, उस लायक बनाया है, तो हम लोग ये दायित्व निभा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।